नमस्कार, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। हमारे चैनल प्रथम सुख निरोगी काया पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपके लिए फिर से एक नया विषय लेकर आई हूँ और आज का हमारा विषय है सर्दियों के आहार। हाँ, सर्दियों में आप किन किन आहारों को खाकर और किन का सेवन करना आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद रहता है उनके बारे में जानते हैं और इनका हम प्रयोग करके या इनको इनका सेवन करके हम अपनी प्रतिरोधक क्षमता को कैसे बढ़ा सकते हैं, अपने इम्यून सिस्टम को कैसे मजबूत कर सकते हैं उसके बारे में जान लेते हैं। यह तो आप सभी लोग जानते हैं कि मौसमी फलों का प्रयोग करने से हमारे शरीर में बहुत से अच्छी तरीके से एनर्जी बनी रहती है, लेकिन उनके अलावा भी कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिन्हें खाकर हमारे शरीर में गर्मी बनी रहे और हमारे शरीर अच्छे से सारा दिन कार्य करने में कार्यरत रहे। आइए उनके बारे में जानते हैं। सर्दियों का मौसम आ रहा है और इसमें हमारे शरीर में गर्मी बनी रहे, हमारे शरीर बीमारियों से दूर रहे और हमारा शरीर स्वस्थ रहे, इसलिए हमें क्या क्या खाना चाहिए उसके बारे में जान लेते हैं। जैतून का तेल यानी कि ऑलिव ऑयल। ऑलिव ऑयल हमारे शरीर के लिए बहुत फ़ायदा देने वाला होता है। हृदय रोग से निजात तो मिलेगी ही मिलेगी, लेकिन जैतून का तेल भोजन में प्रयोग करने से हड्डियों में मजबूती रहती है। इससे हृदय संबंधी रोगों से निजात मिलती है और हमारे फैटी एसिड की इसमें पर्याप्त मात्रा होती है, जो दिल के रोगों के लिए, साथ में मधुमेह के रोगियों के लिए भी अच्छा होता है। और इसमें कैल्शियम की मात्रा भरपूर होती है जो कि हड्डी रोग नहीं होने देती है। दूसरा हमारा आहार है पालक। आइए पालक के बारे में कुछ जानते हैं। सर्दियों में रूखी त्वचा होती है तो अब नहीं होगी। कुछ लोगों की त्वचा बेहद रूखी होती है, तेल और क्रीम के बाद भी त्वचा सूख सूख जाती है या फिर पपड़ी सी जम जाती है। ऐसे लोग पालक का भरपूर प्रयोग करें। इसमें भरपूर मात्रा में आयरन होता है, इसमें विटामिन ए और विटामिन सी भी होता है। इसके खाने से रक्त कणों में इजाफा होता है। इसमें पर्याप्त मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट गुण पाए जाते हैं, इसके कारण हमारी त्वचा पर झुर्रियां भी ख़त्म हो जाती हैं। आइए शलजम के बारे में थोड़ा जानते हैं। शलजम खाने से अस्थमा रोगियों को बहुत राहत मिलती है। शीत ऋतु में यानी कि सर्दियों के मौसम में अस्थमा की तकलीफ बढ़ जाती है। यदि आप शलजम को अपने आहार में नियमित रूप से प्रयोग करते हैं तो इससे आपको राहत मिलने लगेगी। इसमें एंटीऑक्सीडेंट बड़ी संख्या में पाया जाता है जो कि अस्थमा से निजात दिलाने में बहुत कारगर सिद्ध होता है। इसमें प्रचुर फाइबर होता है, आंतों की सफाई भी करता है और शरीर की वायु को नियंत्रित करता है। आइए आंवले के बारे में जानते हैं। आंवला भी हमारे शरीर के लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है। आप लोगों को तो पता ही होगा कि आंवले का हम बहुत से रोगों में प्रयोग करते हैं। सर्दियों में एक कच्चे आंवले का सेवन अगर आप लोग एक गिलास दूध के साथ करते हैं तो यह है आपके उच्च रक्तचाप और हार्ट अटैक तो फेल होने ही नहीं देगा। साथ ही साथ यह आपके बालों को काला करने में, आपकी त्वचा को चमकदार बनाने में और आपके शरीर के बहुत से रोगों को दूर करने में आपके बहुत मदद करेगा। आइए और जानते हैं। और मखाना, मखाने के बारे में भी तो आप लोग जानते ही होंगे कि मखाने में बहुत से पोषक तत्व पाए जाते हैं। मखाने का एक मुट्ठी मखाने का अगर आप सर्दियों में लगातार सेवन करते हैं तो आपकी हड्डियों के दर्द, किडनी के वाले लोगों को परेशानी, हृदय रोगियों के लिए और जिन्हें बालों के झड़ने की परेशानी होती है उन लोगों के लिए भी मखाना बहुत फ़ायदा देने वाला होता है। मटर, मटर तो सर्दियों में सभी लोगों के घर में बनती है। मटर खाने से भी बहुत से फायदे होते हैं, उनके बारे में जानते हैं। मटर खाने से पाचन की गति नियमित हो जाती है, यह शरीर में कोलेस्ट्रॉल नहीं बढ़ने देता और ऑस्टियोपोरोसिस के रोग जिसमें हड्डियों का चूरा होने लगता है के खिलाफ मटर प्रभावी ढंग से काम करता है। साथ ही यह कैंसर से लड़ने में भी प्रभावी ढंग से कार्य करता है। मटर के बहुत सारे फायदे होते हैं। आप मटर को कच्चे या फिर उबालकर इसका सूप बनाकर भी खा सकते हैं। और जानते हैं सौंफ। सौंफ आप लोगों को तो पता ही होगी कि मानव पाचन तंत्र के लिए सौंफ बहुत लाभकारी होती है। विटामिन की कमी तो सौंफ में भरपूर मात्रा में पाई जाती है और ये विटामिन की कमी को दूर करता है। अगर आप लोगों को विटामिन की कमी हो गई हो तो आप नियमित इसका सेवन करें और इसे आंखों की रोशनी तेज होगी, गैस कब्ज की तो दूर होती ही है, खून साफ करने में भी सौंफ का अलग ही योगदान होता है।
हाथ पैरों की जलन की शिकायत हो या फिर विटामिन ए बी कॉम्प्लेक्स, विटामिन ई, विटामिन सी भी अगर किसी के शरीर में कमी हो गई हो तो इसे प्रयोग करने से आपके शरीर में कैल्शियम, आयरन और पोटाशियम जैसे तत्वों को भी भरपूर भंडारा कर देता है। आइए जानते हैं अजवाइन का फायदा। अगर किसी लोगों को सर्दियों में वजन कम करना है तो आप लोग डेली सुबह खाली पेट अजवाइन का पानी पीजिए। इसके अलावा जोड़ों के दर्द वाले लोगों के लिए भी या जिन्हें बदहजमी की समस्या रहती हो वे भी अजवाइन का सेवन करते हैं तो आपका मेटाबॉलिज्म बढ़ता है और आपको बहुत फायदा मिलता है। आइए और जानते हैं तेजपात। तेजपात के बारे में अभी मैंने थोड़े दिनों पहले ही वीडियो बनाई थी। तेजपात के भी हमारे शरीर पे बहुत से गुण होते हैं और मैंने आपको ये बताया था यह सिर्फ सब्जी बनाने के काम नहीं आता, इसमें बहुत से गुण पाए जाते हैं। तेज पत्ते का इस्तेमाल करके हम तेजपात की चाय पीकर सर्दी जुकाम से बच सकते हैं। दांतों पे इसके पाउडर को रगड़ने से दांतों में चमक बढ़ती है, जोड़ों के दर्द में भी बहुत राहत मिलती है। सर्दियों में नींबू का सेवन भी करना चाहिए। आइए किस प्रकार करना चाहिए, उसके क्या क्या फायदे होते हैं थोड़ा सा दोहा सुन लेते हैं। फटे विवाई या फटे मुंह फटे त्वचा खुरदरी होए, नींबू मिश्रित आंवला सेवन से सुख होए। अगर आप सर्दियों में आंवला और नींबू का भी सेवन करते हैं तो यह आपके शरीर को बहुत से लाभ देता है। और जानते हैं आज का दूसरा जो टॉपिक है उसके बारे में भी सुन लेते हैं। गर्मियों में तो आप लोग गर्म पानी पी नहीं सकते, लेकिन सर्दियों में तो आप लोग गर्म पानी पी सकते हैं। गर्म पानी भी हमारे शरीर के लिए बहुत ज़्यादा फायदे देने वाला होता है। जो लोग वज़न घटाना चाहते हैं या जिन्हें पाचन तंत्र समस्या रहती हैं वो गर्म पानी का सर्दियों में सेवन करते हैं तो बहुत से लाभ देखे जा सकते हैं। सर्दियों के इन आहारों को अगर आप अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी में प्रयोग करते हैं तो आपके शरीर में बहुत से फायदे देखे जा सकते हैं। धन्यवाद।